कि ऐसे लोग आ गए हैं, मुसलत कर दिए गए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बड़ी बेदर्दी से माजी में लूटा। इस हुकूमत को हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम नहीं मानते। हुकूमत दो वोटों पे खड़ी है, तीन वोटों पे खड़ी है। जिस दिन भी ये हटे तो ये धर्म से गिर जाएंगे। बेसाखियों के जरिए और साजिश के जरिए आ गए हैं और ये इतने मुश्किल फैसले के पास क्या ही नहीं है। जनाब, मईशत को कैसे बचाना है, पेट्रोल की कीमतों को कैसे नीचे लाना है, लोड शेडिंग पर कैसे काबू पाना है, महंगाई के जिन को कैसे भगाना है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाना है, क्या ये हुकूमत की तरजीहात हैं? अगर आप मुझसे इसका सवाल करेंगे तो जनाब सिंपल से इसका आंसर होगा कि मेरी नजर में तो नहीं है। हुकूमत की तरजीहात तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को, दोबारा से होने वाले लॉन्ग मार्च को रोका जाए, किस तरह से उनके लिए जमीन तंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। हुकूमत आजकल सिर्फ और सिर्फ इस प्लानिंग में लगी हुई है कि किस तरह से इमरान खान को दोबारा इस्लामाबाद आने से रोका जा सके, वरना महंगाई, बेरोजगारी, गुरबत, मुल्क की माशी मसाइल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, डॉलर की ऊंची उड़ान, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और उनकी बढ़ती कीमतों से मुतालिक शहबाज हुकूमत के पास फिलहाल अभी तक तो कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। या ये कहिए, इन सब मामलों से हुकूमत का फिलहाल कोई लेना देना है नहीं। शहबाज हुकूमत मुल्क के माशी मसाइल हल करने में कितनी संजीदा है, इस बात का अंदाजा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के अमरीकी टीवी को दिए इंटरव्यू से लगाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं वो, पहले आप खुद सुनिए फिर आगे चलेंगे। जनाब, मिफ्ता इस्माइल की इस बात से सवाल यह पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान रूस से गंदम खरीद सकता है तो तेल क्यों नहीं खरीद सकता, और अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है तो जनाब पाकिस्तान क्यों सस्ता तेल नहीं खरीद सकता। मिफ्ता इस्माइल हर खराबी का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के सरबरा और साबिक वजीर आजम इमरान खान को ठहराते हैं, उनकी हुकूमत को ठहराते हैं, लेकिन साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत तो गालिबन 10 अप्रैल को खत्म हो गई थी, तो सीधी सी बात है आने वाली हुकूमत आपकी थी। आपने कहा था कि हम मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे, आगे बढ़ेंगे, मुआहदा करते, आवाम को रिलीफ देते, सस्ते तेल का इंतजाम करते, लेकिन हुकूमत किस काम में लगी हुई है? इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं पहले वो सुनते हैं। ये जो आया सेटअप, इन्होंने तो पहले उनकी हर बात माननी है, दूसरा इनका इंटरेस्ट है अपने सारे केसेस खत्म करवाने का, ये जितने भी एनआरओ 2 लेने का, यानी वो जो FIR NAB के 40 अरब रुपए के नवाज शरीफ के केसेस है, बाकी ओमनी के सारे असद वल्दारी के, इन्होंने जो NAB में अमेंडमेंट्स लाई हैं, ये सारे अब इनके केस खत्म हो जाएंगे NRO 2। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से शुरू हो जाए, इलेक्शन कमीशन इस साजिश का हिस्सा है, वो अब बैठ के कोशिश करेंगे कि वो ऐसी इलेक्शन करवाए जिसमें फिर ये वापस आ जाए। सो ये 3 पॉइंट इनका प्लान है। जनाब फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हुकूमत के टेन्योर पूरा होगा, लेकिन ये अरसा पाकिस्तान की आवाम के लिए भारी साबित होगा, बल्कि बहुत भारी पड़ने वाला है। हुकूमत IMF से कर्जा लेने के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो कर चुकी है और आगे जाकर इसमें मजीद इजाफा भी यकीन जानिए हो सकता है, जबकि IMF की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने अगले महीने से बिजली की कीमतों में बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है। जिस महंगाई का सुनामी आएगा और एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बोल न्यूज के प्रोग्राम तजिया में सीनियर सहाफी, तजियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम को खसूसी इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की तरजीहात को आवाम के सामने वाज़ेह कर दिया है। खान साहब ने इंपोर्टेड हुकूमत का भी जिक्र किया और जो तजियाकार और सियासतदान अब तक ये इस आस लगाए बैठे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ वापस कौमी असम्बली चली जाएगी, उनको भी खान साहब ने वाज़ेह जवाब दे दिया। क्या कहना था खान साहब का पहले सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मेरी जो कोशिश थी रूल ऑफ लॉ कायम करने की, वो इसलिए नहीं हो सकती थी कि जो ताकतवर थे उनकी जड़ें इतनी थी, तकड़े वो थे और उनके कनेक्शंस थे, हर जगह उनके कनेक्शंस थे, तो वो जो एक कोलिशन गवर्नमेंट में वो आप नहीं कर सकते। आपकी भारी अक्सरियत हो तो आप कर सकते हैं कुछ, लेकिन अगर आपकी अक्सरियत नहीं है तो सारा वक्त ब्लैकमेल होते। और इसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह भी बता दिया कि आखिर क्यों उनको इक्तदार में रहते हुए मुश्किलात फेस करना पड़ी थी और साजिश के तहत इक्तदार से अलग किया गया, आखिर इसमें वजूहात क्या थी, ये भी खान साहब ने आज दिल खोल कर बयान किया। अरे मुकाबला मुझे तभी सोचना चाहिए माफियाज के साथ है, ये मुजरिम है इस कौम के, 30 साल से ये मुल्क पर जुल्म कर रहे हैं, लूट रहे हैं, माफिया स्टाइल का। माफिया ये होता है, या वो लोगों को ख़रीद लेते हैं अपने साथ मिला लेते हैं, या फिर उनको ख़त्म करते हैं,
एलिमिनेट करते हैं, उनको उनको दहशत फैलाते हैं, उनको पर झूठे केसेस करते हैं, उनको मारपीट उनकी करते हैं ताकि लोग डर जाएं इनसे। तो या खरीदते हैं या डराते हैं। तो वो जो माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ उस दिन, बल्कि एक दिन पहले भी शुरू हो गया था जब इन्होंने घरों में घुस गए लोगों के। जनाब अपने खसूसी इंटरव्यू में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि उनका मुकाबला माफियाज के साथ है, मौजूदा हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और माफियाज का दिल खोल कर जिक्र किया। अब सूरत हाल यह है कि जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एहतजाज से मुतालिक फैसले में करार दिया है कि पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन रियासत की इजाजत जरूरी है। पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत दे देनी चाहिए। 12 सफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक आर्टिकल 15 और 16 की रोशनी में पाबंदी ना हो तो एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए। किसी को कानूनी उजर के बगैर एहतजाज के हक से महरूम नहीं किया जा सकता, जबकि हुकूमती अहलकार को आवाम की जिंदगी में रखना डालने का हक हासिल नहीं है। हुकूमत किसी की जान और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मौजिज अदालत ने वाजे किया है कि 25 मई के फैसले ने मुश्तरका हुकूक अवाम और रियासत में तवाजुन पैदा किया, एतबार करके अच्छी नीयत के साथ तवाजुन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी नेक नियति को इज्जत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की क्यादत और मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया है। लॉन्ग मार्च के खत्म होने के बाद तमाम शाहराहों को खोल दिया गया, आजादाना नकल व हरकत में कोई रुकावट नहीं। अदालत में दायर दरख्वास्त पर यह फैसला सामने आया है। इसी पर जनाब मजीद बात करेंगे। शिबली फराज साहब इस वक्त मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर इत्तला भी रहे। सर जनाब ये बताइएगा, छह दिन भी आपके मुकम्मल हो चुके थे और वो तमाम चीज़ें हो चुकी थी, अब दोबारा ये कहा गया था कि 6 दिन के बाद अभी सारी सूरत हाल होगी और उसके बाद दोबारा निकलेंगे, लेकिन राणा सनाउला ने एक बयान दिया था, मेरे ही प्रोग्राम में बयान दिया था कि अगर ये लोग दोबारा आए तो किस तरह से इनको रोका जाएगा और जिस शिद्दत के साथ रोका गया था उससे ज़्यादा शिद्दत से रोका जाएगा। पहले उनकी बात सुन लेते फिर आपकी तरफ आऊँगा। ये नासूर है इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए। इसकी सरकोबी करना जो है ये कौम के बेहतरीन मुफाद में है, तो इनका तो जो एजेंडा है उसके पेश नज़र थे उनको इसी तरह से रोका जाना चाहिए था, अब दुरुस्त रोका गया है और आइंदा भी अगर यह है कि इनको और ज़्यादा सख्ती से रोका जाना चाहिए और इनको किसी सूरत शहर के अमन अमान को या वो गुमराही का शिकार या उसको नुकसान पहुंचाने की इजाजत। जनाब ये राणा सनाउला की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा क्योंकि सर ये बताइएगा अंडरस्टैंडिंग क्या हुई आपकी, 6 दिन बाद का कहा गया था, आज 6 दिन तो मुकम्मल हो गए, आपने निकलना है लॉन्ग मार्च के लिए कर दिया गया है, क्या हुआ है? शिबली साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? पुरमन मार्च पे जो तशद्दुद, जो बर्बरियत और जिस बेदर्दी से जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि आम लोग थे, फैमिलीज थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उन पे जो तशद्दुद किया गया, तो जाहिर है कि हम इस चीज की गारंटी लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर तो ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है कि फिर तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे के एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तानी कौन जो कि इस इंपोर्टेड और इस एक ऐसी हुकूमत जो कि अवामी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है जिसको, उसके साथ तो फिर तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, पैदा होंगे। तो इसलिए ये खान साहब ने जो कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो यही बुनियादी एक वजह है जिसमें कि हमारा आईन, हमारी जितनी भी अपनी हमारी पार्टी की एक बड़ी इसमें बहुत ही एक काबिल फखर रिकॉर्ड है जिसमें कि हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, ईडीएम हो, कोई भी हो, हमने उनको कभी रोका नहीं, ना हमने रुकावटें खड़ी की। सही है, लेकिन ये हुकूमत चूंकि अवाम की सपोर्ट से आ रही है और जो अवाम को गम गुस्सा है कि ऐसे लोग
आ गए हैं, मुसलत कर दिए गए हैं, जिन्होंने कि इस मुल्क को बड़ी बेदर्दी से माजी में लूटा। अच्छा, अपने आप को एनआरओ दिया। अच्छा। और वो आपने देख लिया कि जो पार्लियामेंट में जो सबसे पहले चीजें हुई वो ये हुई कि इन्होंने नायब लॉ में तरमीम करके करप्शन को बिल्कुल, करप्शन अब कोई जुर्म नहीं है, सही है, आप करप्शन कर सकते हैं, नायब आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने आते ही एफआईए की केसेस, आते ही जो भी इनके खिलाफ जो शवाहिद थे उसको खत्म करने के लिए इन्होंने पहले दिन ही से कोई टाइम जाया नहीं किया और उस पर ये लग गए। तो हम ये समझते हैं कि एक तो ये साजिश के जरिए हुकूमत आई, दूसरे ये कि जो ये कर रहे हैं, जो पूरे अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं, यानी कि बिल्ले को दूध की रखवाली पे जो मामूर किया गया है, हम उसके खिलाफ हर सूरत में एहतजाज भी करेंगे, आएंगे भी, क्योंकि अवामी ताकत हमारे पास है। अच्छा, लेकिन सर एक क्लैरिटी भी तो नजर नहीं आ रही ना। अभी ये लग रहा है कि जनाब आपने पहले स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करना था, अब ये लग रहा है कि आपको अदालती मामलात की तरफ जा रहे हैं। आज खान साहब के 6 दिन मुकम्मल हो गए, उन्होंने कहा कि जनाब पहले हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि इस बात की श्योरिटी दे दें कि हम एहतजाज के लिए निकले। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था आप आ जाए एहतजाज कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। उस वक्त आपने टाइम गेन कर लिया था 6 दिन का, अब सर क्या डिसाइड कर लिया आप लोगों ने, आपने स्ट्रेटजी चेंज किया, अब अदालती मामलात की तरफ आपका फोकस ज्यादा है? देखें, बुनियादी तौर पे हम कोई मॉडल टाउन वाली पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। अच्छा, अगर आपका मतलब ये है कि हम भी डंडे और असलहा और ये सारी चीजें लेके और ले आए 20 लाख लोग, तो आप जो है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे हम, तो चाहेंगे कि हम एक लीगल तरीका इख्तियार करें, क्योंकि हम एक जमहूरी पोलिटिकल सीरियस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। तो हम अदालत से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस किस्म की जो बर्बरियत है, यानी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी सूरत में? एक पुरमन मार्च, एक ऐसी पार्टी जिसका के ट्रैक रिकॉर्ड ब्रिलियंट हो, क्योंकि हम जैसे बड़े जलसे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए और पुरमन रहे और उसमें कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने हमारे पीसफुल लोग उन पे जिस तरह से बर्बरियत से, जिस तरह आंसू गैस इस्तेमाल की गई, अच्छा, जिससे कि लाठी चार्ज किया गया हम लोग को, हमारी आप लोग को आइडिया नहीं था पहले इस चीज का, पार्टिसिपेंट की गाड़ियों को तोड़ा जलाया, ये इस किस्म की चीज के लिए जाहिर है कि हम उसको इंतजार में तो नहीं डाला करते हैं। सेम टाइम हम कोई गैर मुहैया ना हो सकते, हम जो मराहल तय कर रहे हैं जो कि कोई भी एक सियासी कहानी जो कि आईन में करती हो वो पार्टी, सही तो है। हम वो इकदाम कर रहे हैं इंशाल्लाह, अवाम का बड़ा प्रेशर है हम पे इस पर। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे फिर वही है, आप लोगों के पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अभी खान साहब समी साहब के प्रोग्राम में थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब लॉन्ग मार्च होगा, जरूर होगा। जो ये आप बातें कर रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं हम लोग ऐसी जमात नहीं है, तो सर आपको नहीं लगता कि जब आप दोबारा निकलेंगे और सामने की तरफ से राणा सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी मैंने आपको सुनाई, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि दोबारा अगर आएंगे तो उससे ज्यादा पुरजोर तरीके से करेंगे, तो आप अदालती मामलात की तरफ ही जा रहे हैं या ये ऑप्शन खुला हुआ है आपके पास? देखिये, बात यह है कि जब तक के कोई भी प्रोसेशन, कोई भी इज्तम पीसफुल हो, हम उसके कानून के अंदर रहते हुए, लेकिन कानून के अंदर सिर्फ हमने नहीं रहना, ये हुकूमत के वक्त पे भी फर्ज बनता है कि वो कानून और आइन की पासदारी करे, अपने लोगों को इस मुल्क का के लोग समझे, कश्मीर में जो हिंदुस्तानी, इसराइल में जो इजरायली कर रहे हैं तशद्दुद लोगों पे, उस तरह का तशद्दुद जो है तो फिर हम नहीं मानते। ये कानून की खिलाफ वर्जी है सिर्फ ये कह देना कि जी आप फला जगह कर ले, फला जगह तो तय हो गई थी, तो फिर इस तरह से बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये कानून सिर्फ ये नहीं है कि मेरे आप हाथ बांध दे और दूसरा कानून कानून खेलता रहे, ठीक है, हमने बिल्कुल तो आपके अगर आपके भी हाथ नहीं बंधेंगे, सामने वालों के भी हाथ नहीं बंधेंगे, तो फिर तो मुश्किलात सर बढ़ेंगी ना। अच्छा सर, आगे चलते हैं मामलात को ही बताइएगा, जिमनी इंतखाबात के हवाले से क्या फैसला आपने किया? अभी खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब
हम दोबारा पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन पंजाब असेंबली की जो 20 नशिस्तें हैं, 25 नशिस्तें जो अराकीन थे उनको मुनहरिफ अराकीन उनको डीसीड किया गया था, उसमें 5 तो मखसूस नशिस्तें हैं, लेकिन जो 20 नशिस्तें हैं उनमें से तो ज़मीनी इंतखाब होगा ना, तो वो आप लड़ेंगे या फिर कौमी असेंबली के इंतखाबात आपने बिल्कुल लड़ने ना लड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन पंजाब इलेक्शंस आप जरूर ज्वाइन करेंगे? देखिए पहली बात हम तो पूरे मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं, ये इस किस्म के इलेक्शन नहीं, ये तो बड़ी नहीं करा रहा है कि इलेक्शन हो गए, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, बिकॉज इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो मुल्क पे जो मुआशी एटम बम गिराए हैं, जिसमें के पेट्रोल, घी, दालें, चावल, हर चीज आम आदमी के उससे बिल्कुल, बिजली की कीमतें, ये सब कुछ उनकी 10 बरस से बाहर हो गया है। अच्छा, तो इसके लिए इस हुकूमत के पास न तो कोई इखलाकी जवाब है न इनके पास पब्लिक सपोर्ट है, पब्लिक जो है तो इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि दो चीजों पर उनको हम गुस्सा है, एक है कि जो जिस तरीके से हमारी हुकूमत को तख्ता उल्टा गया, नंबर वन, और फिर दूसरा उससे ज्यादा जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, के आपने फिर ऐसे चोरों को ऊपर मुसलत कर दिया जिनके के सारे मेजॉरिटी केसेस लगे हुए हैं, सीरियस किस्म के करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। अब ये हुकूमत जो है तो वो करेगी, सही है, बताएगी हमें कि जी ये इलेक्शन जो है नेशनल असेंबली के ये जो सीटें खाली होंगी उस पर ये कराएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। देखिए इखलाकी जवाब एक बहुत बड़ी कुव्वत होती है, ये जो दुनिया की कुदरत है ना, दुनिया का निजाम ये इस इखलाकी जवाब पे खड़ा हुआ है, आप इसको माइनस नहीं कर सकते। सही है, तो ये तो दूर की बात ही है कि जी उसमें इलेक्शन में आप खड़े होंगे, हम ये जो पंजाब में खाली हुई है वहां नहीं खड़े होंगे आप, मतलब कौमी असेंबली के इंतखाबात में जिसमें के लोटों को सजा देनी है, इसीलिए पंजाब का इलेक्शन आप अदालत में गए और हमने एक फैसला लिया, तो हम एक ऐसी पार्टी है जो कि हर चीज कानून और आइन के दायरे में करती है, लेकिन देयर इज लिमिट टू इट, हम ये किसी ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई वो शहर का सबसे बड़ा डाकू वो अदालत का सरबराह बन जाए या किसी थाने का SHO बन जाए और वो फिर कहे कि जी ये ठीक है और ये गलत है। अरे सर एक मामला तो और भी है ना, क्या आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं ये इंतखाबात के अलावा बातचीत के लिए? कल मैं शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हम हर तरह की, यानी खान साहब के हवाले से उसे कर रहे थे कि हम हर तरह की, खान साहब भी हर तरह की गुफ्तगू करने के लिए, मुजाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो सर क्या इलेक्शंस की डेट अनाउंस किए बगैर किसी किस्म के मुजाकरात हो सकते हैं? अब आपने इस चीज पर इक्तफा किया है? देखें बात यह है कि इस वक्त क्योंकि इस हुकूमत को हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम नहीं मानते, हम इस वक्त एक चीज चाहते हैं वो है इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। अच्छा, उसके बाद सारी चीजें हम डिस्कस करने के लिए तैयार है जो कि कई कानून आइन और इखलाकियात सही है जिसकी इजाजत देते हैं। अच्छा एक और चीज भी मामला है ना कि अगर बजट अगर ये पेश करने जा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि बजट में ये लोग टैक्सेस लगाएंगे और काफी ज्यादा टैक्स लगाएंगे, अब इन्होंने मुश्किल फैसले भी कर लिए हैं, तो सर कोई भी तजियाकार हो इस बात को तस्लीम कर रहा है और समझ रहा है और मान रहा है कि इतने मुश्किल उन्होंने फैसले किए, कठिन फैसले किए, तो अपना टेन्योर तो कम से कम पूरा करेंगे ना कि शायद आखिर में आवाम को रिलीफ दे सकें, क्योंकि अब इस तरह से तो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत अभी फिलहाल इस पोजिशन में तो है नहीं कि इलेक्शन करा सके, जनरल इलेक्शन करा सके, तो फिर आप आखिर में आप लोगों का क्या तुरप का पत्ता क्या है, सारे पत्ते आपने खेल दिए? पहली बात यह है कि ये बात तो पहले सोचनी थी ना, ये जो अपने आप को बड़े तजुर्बाकार और बड़े अहल समझते हैं, ये इकोनॉमी को उस वक्त तो उसी साइड पे खड़े होके बहुत बड़ी 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 वो बुलंदोबान दावे करते थे। अच्छा, तो अब जब उन पे उनके पास इकतदार आया है तो हमने क्या देखा है, बेबसी देखी है, कंफ्यूजन देखी है और एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखी है, दो दो फाइनेंस मिनिस्टर, एक लंदन में बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, फैसले कौन कर रहा है, इसी तरह दो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लंदन में बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, इसी तरह और भी इनके जितने भी वो हैं, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने तो आप उन्होंने तो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, सब कुछ उनके हाथ पकड़ा दिया और वो उनकी जो नाहली और उनकी जो वो जमाली जमा खर्च करते थे
तो वो संभाले, इन चीजों को तो पहले सोचना चाहिए था। हम तो इसीलिए कहते हैं कि हुकूमत दो वोटों पे खड़ी है, तीन वोटों पे खड़ी है, जिस दिन भी ये हटे तो ये धर्म से गिर जाएंगे। तो इससे बेहतर हटाएगा कौन सर, कि कोई भी सख्त फैसले करने हो उसके लिए सबसे पहले आपको आवाम का मैंडेट चाहिए, फ्रेश मैंडेट चाहिए, बदलती सूरत हाल में, बदलते हालात में, चाहे वो लोकल हो या दुनिया के हो, उसमें हमें एक फ्रेश सही है मैंडेट चाहिए। कोई भी हो पार्टी, फ्री फेयर इलेक्शन हो, जो भी जीते, बेशक हमने जीते, जो भी जीते वो फैसले कर सके। ये नहीं है कि ये जो है आ गए हैं उस जरिए बेसाथियों के जरिए और साजिश के जरिए आ गए हैं, और ये इतने मुश्किल फैसले इनके पास तैयार ही नहीं है। अच्छा, अखलाकी और ना कानूनी, तो ये किस तरह से कर सकते हैं? आपने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने NRO अपने आप को दिया, ये बिल्कुल काबिले कबूल नहीं है। ये देखिए मुल्क बड़ी सीरियस ठीक है क्राइसिस में है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, तेहाल से आया कर रहे थे, और नैब का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने ये बात बोली है कि नैब के कानून पास करा लिए गए हैं, अब मुल्क में जुर्म करना कोई जुर्म नहीं कहलाया जाएगा, कोई भी करप्शन करना कोई जुर्म नहीं कहलाया जाएगा। नैब उस वक्त हरकत में आता है जब आप कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे और नैब के हवाले से, वो हवालात काट के भी आए हैं, केसेस भी हैं, नैब ज़दा हैं, उन पर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब अब जो तरमीम हुई है क्या आप उससे इख्तलाफ करते हैं या फिर आप उससे उसके साथ हैं, क्योंकि उनकी जमात भी शामिल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।